SJN रायसोनी एनुअल अचीवर्स अवार्ड समारोह का आयोजन 27 नवंबर होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेठ के ग्रैंड मिलेनियम हॉल में आयोजित किया गया है। इसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। पुरस्कार समारोह में भारत के पूर्व गोलकीपर और कोच मीर रंजन नेगी शामिल होंगे। इस अवसर पर चेयरमैन रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सुनील रायसोनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष योग खिलाड़ी वैभव श्रीराम है, विदर्भ की कप्तान क्रिकेटर दिशा कासत, आगामी बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य योल और टेबल टेनिस खिलाड़ी जेनिफर वर्गीज को पिछले कुछ महीनों में उनकी उपलब्धियों के लिए SJN रायसोनी अचीवर्स अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह नागपुर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हरेश वोरा को फुटबॉल के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। SJN के साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ है और इसकी पहली शुरुआत जो थी वो 2013 में हुई थी, जबकि श्री वेंकटेश प्रसाद जी हमारे पहले मुख्य अतिथि थे। और पिछले 10 वर्षों से यह निरंतर प्रयास चल रहा है हमारा कि जो इस रीजन के, जो इस क्षेत्र के उभरते खिलाड़ी हैं, उनको पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले 27 नवंबर को इसके 90वें वर्ष पदार्पण करने जा रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है नागपुर के जो चुनिंदा कुछ स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, जूनियर हो गए, सीनियर हो गए, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं स्पोर्ट्स या जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को, ऐसे संस्थानों को तथा ऐसे प्लेयर्स को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि यह बदसूर चालू रहे और जितने भी प्रतिभाएं हैं इस पर्टिकुलर रीजन से उभर के आ रही हैं उनको इसी तरीके से सम्मानित कर उन्हें मोटिवेट किया जाए, ताकि उनसे बाकी प्लेयर्स सीख ले और वो भी आने वाले वर्षों में और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और नागपुर का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। और रायसोनी समूह की संयुक्त मेजबानी में आगामी 27 नवंबर को भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी एवं पूर्व राष्ट्रीय कोच शगदे इंडिया फेम मीर रंजन नेगी की प्रमुख उपस्थिति में सेंटर पॉइंट होटल में नागपुर शहर की उदीयमान एवं स्थापित खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से इस कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं रायसोनी समूह निरंतर कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागपुर शहर की खेल प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा है और शायद ही इस प्रकार की कोई संस्था जो कि खेल पत्रकारों की संस्था अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करती रही है, क्योंकि हम खुद मैदान में उनके साथ में मौजूद रहते हैं, लिहाजा हम जानते हैं कि खिलाड़ियों को किस प्रकार की परेशानियों से गुजरना होता है, किस प्रकार की समस्या होती है, खिलाड़ियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को किस प्रकार का कष्ट करना होता है। यही उद्देश्य है कि नागपुर शहर की खिलाड़ियों को, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल आवश्यक है उन खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराने का। अखबारों में खबर छापने के अलावा यदि हम उन्हें पुरस्कृत करते हैं और वो भी किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल हस्ती के हाथों, तो वो उन्हें निश्चित रूप से प्रेरित करता है। और हमें खुशी है कि ये सिलसिला पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से हम लगातार कायम रखने में सफल रहे। इसके साथ ही TBRAN का मुंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल और ताईवाड़े कॉलेज कोराड़ी खेलों को बढ़ावा देने में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान SJN के प्रेसिडेंट डॉक्टर राम ठाकुर द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।